तो वोट दोगे गीता रथ? अरे मैं क्यों दूंगी वोट? कोई भी नहीं देगा यहाँ वोट। क्यों? क्यों काम जब काम करेगा नेता वो बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं दूंगा, एक नंबर नहीं दूंगा बिल्कुल। अच्छा इस बार वोट दोगी आप? मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं। क्यों? क्यों जब ये चीज बन रहा नाली देखो बच्चे बीमार पड़े रहते, जब उन्होंने हमारा दुख सुख नहीं पूछ रहा है, बोर्डिंग के टाइम में आएंगे हाथ जोड़ेंगे तो भाई ऐसा थोड़ी दिक्कत है। यहाँ तो हर चीज की आप गलत लाइन डली हुई है यहाँ पर। नहीं आधी गली में काम हो रखा है, आधी गली में काम नहीं। प्रभा जी कुछ तो किया होगा पार्षद ने, कुछ अच्छा काम तो क्या किया है मैम आप देख। इस बार आपका वोट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं तो इन सबको यही राय दूंगा कि बिल्कुल मत देना, भक्त बनना पसंद। मैं आइए देखिए यहाँ कितना बुरा हाल होता, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगते हैं, बिजली का भी परेशानी है उनको 10 मिनट। अरे जीरो देंगे हम तो। वोट दोगे उन्हें इस बार? कोई नहीं देंगे, वोट भी नहीं दोगे ना? वोट दोगे इस पर पार्षद को? नहीं अब नहीं देंगे, अब नहीं दोगे। परेशानी होती है, जाते रह जाएंगे, ठोकर लगता पानी में, खड्डे में पैर पड़ जाता, बच्चे भी गिर जाते हैं, निकलने को बड़ी इतनी परेशानी हो जाती है। नंबर दोगे आप उन्हें? मैम मैं कुछ भी नंबर नहीं दूंगी, कुछ नहीं, नहीं दोगे, वोट भी नहीं दोगे? नहीं होता है, यहाँ पार्षद और सबको पता ही नहीं है कौन से पार्षद है कौन नहीं को है, अपने बस पैसा के दम पे हो गए और बस हो गए। काम किए हैं बेटा, जाके देखो हमारी गली रोड देखो, देख रहे हो इनमें बच्चे गिरते हैं, वो थोड़ी सी पार्क है, कभी आने जाने का कोई सोचे भी बच्चों को वो भी नहीं है। नंबर दोगे पार्षद को? अब नंबर कहाँ से दे जब गली में कुछ नहीं करे तो नंबर कितने नंबर दोगे पार्षद को 10 में से? 10 में से कितने नंबर दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा, जीरो भी नहीं दूंगा। ऑफिस में वहाँ दे यहाँ भगा दे वहाँ भगा दे कुछ भी नहीं करते, पानी सही आता है कुछ भी नहीं सही है। पार्षद तो हमें नजर भी नहीं आते हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला हुआ है उसके बाद में हमने आज तक पार्षद को नहीं देखा है। नमस्कार आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज और मैं हूं निभा रजक। वार्ड स्टोरी में आज मैं वार्ड नंबर 23 में पहुंच चुकी हूं जहां की पार्षद गीता रक्सवाल जी हैं। आपको बता दूं कि चेतन मार्केट में मैं पहुंची हूं, दुर्गा बिल्डर्स वाली रोड है ये, और रोड के हालात आप देखिए कि किस तरीके के बने हुए हैं। आपको जगह जगह गड्ढे नजर आएंगे, टूटी हुई जो सड़क है वो लोगों में इस समय परेशानी का सबब बनी हुई है, ऐसा यहाँ की आम जनता का कहना है। और जानते हैं कि वार्ड में इन 4.5 सालों में पार्षद द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए हैं और कितने बाकी हैं, क्योंकि जनता इसका जवाब बहुत अच्छा देती है। तो जनता हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? देविंदर तोंगड़। देविंदर जी जैसे कि पार्षद को अभी 4.5 साल हो गए हैं, वार्ड में कितना विकास कार्य किया है उन्होंने? मैम विकास क्या, पार्षद तो हमें नजर भी नहीं आते हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला हुआ है उसके बाद में हमने आज तक पार्षद को नहीं देखा है और उसकी सजा हम भोग रहे हैं। ये रोड है सैदपुर से मीठापुर को जोड़ने वाला रोड, इस रोड पे इतना बुरा हाल है, बारिशों के दिनों में डेली बच्चों का गिरना, पानी घुटने घुटने पानी भरा होना बहुत बुरा हाल है। सीवर लाइन वाले आते हैं वो गड्ढे खोद के चले जाते हैं, भरने के लिए आते ही नहीं है। एक हमारा पार्षद है जो गांव सैदपुर में लगता है, बहुत ही छोटा पार्षद है, एक उसमें स्ट्रीट लाइट खड़ी कर दी गई है, साल भर हो गया उसका कनेक्शन नहीं हुआ है। पार्षद जो है ना वो पार्क से निकल के चले जाते हैं, देखते भी नहीं है कि पार्क क्या है, गाँव का पार्क है, वो छोटा सा पार्क है, उसमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। अच्छा वो जो बाहर पार्क बाहर है जो आपने भी पार्क कब बना था वो पार्क? और वो पार्क बने हुए 10 साल हो गए। अच्छा एक बार बाउंड्री हुई थी, बाउंड्री टूट चुकी है, उसके बाद में उसमें कोई काम नहीं हुआ है जी। इतना बुरा हाल है कि गांव के जो बड़े बूढ़े हैं ना कि घूमने के लिए कहाँ जाए, सेक्टर में जाते हैं तो सेक्टर वाले बोलते हैं ये हमारा पर्सनल पार्क है, आप यहाँ नहीं आओगे, आने नहीं देते। ये कॉलोनी का और सैदपुर का यही पार्क है। तो गीता रक्सवाल जी को आप लोगों ने इस विषय में अवगत कराया, उनको बताया? नहीं अवगत क्या है, कॉलोनी की जो जनता है ये कई बार जाती है वहाँ पे बोल के आती है, उन्हों का रिजल्ट यही होता है कि हाँ कराएंगे। अच्छा। कराते कुछ नहीं है अभी 4.5 साल में कुछ नहीं करा तो मुझे तो लगता नहीं है कि कॉलोनी में आप जाके पूछो, गली गल पूछो जाके कि पार्षद को कभी किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। वो तो जब से अपना पदभार संभाला है ना वो अपने घर में बैठी हुई है, जनता की ना कोई परेशानी पता है ना किसी की कोई समस्या का कोई समाधान है, कोई काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका, कितनी दिक्कतें हैं, क्या नाम है आपका? आशा नाम। आशा जी क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? भैया सारी समस्या है, कुछ भी नहीं करा है। अच्छा इतने दिन हो गए सारे, जाओ ऑफिस में वहाँ दे यहाँ भगा दे वहाँ भगा दे कुछ भी नहीं करते। पानी सही आता है? कुछ भी नहीं सही है, पानी भी सही नहीं, नहीं। गली देगा रोड ऐसे गड्ढा खोद खोद डाल दे एवं ना कुछ भरने के लिए आए ना कुछ आए। आप कितने नंबर दोगे पार्षद को 10 में से?
10 में से कितने नंबर दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। जीरो भी नहीं दोगे? बिल्कुल जीरो। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला मिश्रा। निर्मला जी, क्या क्या दिक्कत है आपके? बहुत दिक्कत है, न तो कोई कुछ करते हैं न कुछ। वोट पड़ती है, वोट के टाइम आ जाएंगे, गोले दे दो, मैं सब कुछ कर दो। अब जब जीत जाते हैं तो ये भी नहीं लौट के देखते कि जनता मर रही है कि क्या हो रहा है, चाहे देखो चाहे बीमार हो कोई। अब गलियों में ऐसी गंदगी फैला दिए हैं, ना कूड़ा वाला ना कहीं सही से कुछ भी नहीं आता बेटा। बच्चे बीमार भी पड़ते, बच्चे बीमार पड़ते ही हैं, तब कहेंगे कि कोरोना फैल रहा है ये पैर। अरे जब दुनिया भर की गंदगी होगी तो बीमारी तो ही फैलेगी, फैलेगी। वोट दिया था आपने गीता जी को? मैं नहीं दिया था, नहीं दूंगा किसी को। अब वोट भी नहीं दोगे इस बार? ना किसी को भी नहीं देंगे, चाहे पराशर हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, हम तो नहीं देंगे। कितने नंबर दोगे उनको 10 में से? किसी भी नहीं। कौन काम किए हैं बेटा, जाके देखो हमारी गली रोड देखो, देख रहे हो इनमें बच्चे गिरते हैं। वो थोड़ी सी पार्क है, कभी आने जाने का कोई सोचे भी बच्चों को, वो भी नहीं है। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, क्या पानी आते हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, पानी नहीं आता। बिजली की व्यवस्था ठीक है? अब बिजली आती है कभी कभी, दो दिन को गायब हो जाती है, कभी चार चार घंटे को गायब हो जाती है, बिजली भी ऐसी। अभी ये सड़क टूटी हुई है, क्या दिक्कत हो रही है इससे? क्या दिक्कत, बरसात आ जाए जब आप भी देख लेना क्या दिक्कत है इसमें घुस के नहीं आ, अपना पता लग जाएगा। इतना इतना पानी, बच्चे क्या सिंगल आदमी नहीं चल पाता, गाड़ी मोटर तो बाढ़ में जाए। और ऐसी गलियों में हाल है हमारी में। आप कितने नंबर दोगे पार्षद को? अब नंबर कहाँ से दे, जब गली में कुछ नहीं करे तो नंबर किसके दे? फिर भी कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो काम। जब समय बताएगा जब नंबर देंगे। जब अभी 4.5 साल बीत गए, अभी समय आया नहीं है। अब जब तक तब तक तो कुछ हुआ नहीं है, जब होएगा जब देखी जाएगी। अभी के हिसाब से कितना नंबर दोगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे मंदिर जाते तो गंगा गंगा नहाते नहाते जाते हैं। अच्छा। जो भी है अछूत होकर जाते हैं। अच्छा। कुछ नहीं होता है, या पार्षद और साथ को पता ही नहीं है कौन से पार्षद है कौन नहीं को है। अपने बस पैसा के दम पे हो गए और बस हो गया सारा काम। तो आप लोग जाते हो शिकायतें लेके पार्षद की? अरे हम क्यों जाएंगे, जब उन्हें वोट के लिए तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं, फिर हम हाथ जोड़ने हम जावे, फिर क्या मतलब भाव हमारा पार्षद बनाने का? क्या मतलब हुआ? यही हुआ कि खुद जाके देखो कि इनने बनाया, अपने आप तो जीत नहीं जाता। कितने नंबर दोगे उनको 10 में? अरे जीरो देंगे हम तो। वोट दोगे उन्हें इस बार? कोई नहीं देंगे। वोट भी नहीं दोगे? ना। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा जी, आप कितने समय से यहाँ पर रहते हो? 15 साल हो गए। 15 साल से ये जो समस्या बनी हुई है कब से बनी हुई है? ये जब से मैं आई हूँ जब से ऐसा ही देख रही हूँ, कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ। तो गीता रक्सवाल जी कुछ करती नहीं इसको लेकर? नहीं, कुछ नहीं की आज तक। आज तक कुछ नहीं किया? अभी आप लोग वोट दोगे उन्हें? नहीं, अब क्यों देंगे वोट जब हमारे लिए कुछ खड़े ही नहीं हो रहे हैं। वोट लेने आते हैं हाथ जोड़ के, जब हम जाते हैं हमें कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे, कह देते हैं हमने तो ना खरीदी है वोट। अच्छा, वो कहती है हाँ जी हाँ जी, हमारा कोई भी काम नहीं होता। तो अभी कितने नंबर दोगे आप उन्हें? मैम मैं कुछ भी नंबर नहीं दूंगी। नहीं जी, वोट भी नहीं दोगे? नहीं। क्या नाम? हमारा मुन्नी नाम है। मुन्नी जी, आप बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग हैं सर, सड़क टूटी हुई है, कितनी दिक्कत होती है? बड़ी परेशानी होती है बेटा। कभी क्या भी है? हाँ, कभी जाते रह जाएंगे, ठोकर लगता पानी में, खड्डे में पैर पड़ जाता, बच्चे भी गिर जाते हैं, निकलने को बड़ी इतनी परेशानी हो जाती है। एक जो ना कुछ पूछो मत, इतनी परेशानी, कुछ सुनते नहीं है। अब कौन किसको सुनते हैं बेटा, साइन करवाओ तो साइन भी नहीं करके कोई। वार्ड नंबर 23 में ही 7 नंबर गली में पहुंचे हैं, चेतन मार्केट है ये, दुकानदार हैं कुछ, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर समस्याएं देखने को मिली। क्या नाम है सर आपका? राकेश डबदान। राकेश जी, सड़क टूटी हुई है, नाले से पानी बह रहा है, दुकानदारी पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे वार्ड में सारी समस्याएं हैं, लगभग हमें 22 साल हो गए हैं यहाँ, किसी भी प्रकार का कोई आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास आप देख ही रहे हो, इधर को थोड़ा कैमरा मारो, देखो विकास ये दिख रहा है। नालियों में से गंदगी निकाली जाती है और उसकी सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी। अच्छा, 4.5 साल हो गए हैं पार्षद को, कितना काम करवाया है उन्होंने आप लोगों को? आपको दिख ही रहा है कितना काम कराया है, सामने नजर आ रही है सड़कें, गड्ढे जितने भी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, आपको नजर आ रही है कितना काम कराया है। ये 9 साल पहले लगाई थी ये, फिर 1 महीने में खराब हो गई थी। फिलहाल उसके बाद उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। और जो भी उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने कार्यकर्ता, उनके घर में 3-3 लाइटें, मैं भी आप आगे जाके आपको तो दिखाऊंगा। सीधा आरोप लगा रहे, सीधा आरोप है बिल्कुल, जब किया ही नहीं है। देखो, सच को सच कहा जाएगा, झूठ को झूठ बोला जाएगा। काम किया होता तो आपको भी नजर आता, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक खड़ी है ऐसी नहीं खड़ी है, काम किया ही नहीं है बिल्कुल भी। गीता रक्सवाल जी ने कुछ नहीं, उनको तो हमने देखा ही नहीं। फिलहाल 1-2 बार हमने उसमें रामलीला में गए थे, वहाँ फोटो देखी थी उनकी, उसके बाद आज तक उनको नहीं देखा। इलेक्शन में देखने को मिलते हैं, लंबी लंबी मालाएं होती हैं, उस दिन देखने को मिलते हैं,
ओम प्रकाश लक्ष्मण जी पे एक आध बार दिख जाते हैं, हमें फिलहाल वो आज तक नहीं दिखे। तो इस बार आपका वोट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं तो इन सबको यही राय दूंगा कि बिल्कुल मत देना, भक्त बनना पर अंधभक्त नहीं। और 10 में से अगर विकास का बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं दूंगा, एक नंबर नहीं दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं दे। ऐसा ही पिछली बार हुआ था, कॉलोनी से भारती बागुनी जी को खड़ा किया गया था और उन्हीं के साथ भी दिया था, लेकिन एंड टाइम में निशंक जी यहाँ पहुँच गए और पलटने में लोगों को देर नहीं लगी, उन्हें दिखा दिए कि उत्तराखंड में ये करेंगे वो करेंगे, पर वो भी धोखा दे के चले गए। अब पब्लिक की समझ में काफ़ी कुछ आ चुका है कि ये सिर्फ बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जगह गड्ढे खोद दिए हैं, एक गड्ढे खोद करके ये मेरे पैर में लगी हुई है, 2 साल हो गए कुछ भी नहीं करने को तैयार है। आगे मंदिर के पास में गड्ढे में गिरा था, पहले कुछ चोटें थी इसमें, फिर लग गई और ज्यादा, जो समस्या है वो है। नारायण, किस चीज की दुकान है आपकी यहाँ पर? यहाँ प्रेम टेलर के नाम से दुकान। अच्छा, बारिश में पानी वानी भी भर जाता है? हाँ, यहाँ घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है। बारिश में पानी वानी भर जाता है क्या? हाँ, दुकानदारी यहाँ घुटनों से पानी, यहाँ कोई ग्राहक आता ही नहीं है। अच्छा, सड़क टूटी हुई है, इसकी शिकायत दी है पार्षद को? नहीं दी, नहीं दी, खुद दिखता है, वो आते जाते रहे तो उनको तो पता। वोट दोगे इस पर पार्षद को? नहीं, हम नहीं देंगे। बरसात में आइए, देखिए यहाँ कितना बुरा हाल होता है, बच्चे गिर जाते हैं, है चोट लगते हैं, बिजली का भी परेशानी है, वो देखो पेड़ वो है, बिजली बच्चों लोगों का भी मकान बनाया, कुछ भी होगा, खंभा गिर सकता है, है यहाँ कोई दिख सुनाई नहीं है, ना राशन कार्ड है, कोई सरकार पूछने भी नहीं आता कि तुम खा रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, कुछ नहीं। बस वोट के टाइम में जी माता जी हमें वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, ऐसे बोलते हैं। जब वोटिंग हो जाते उसके बाद में कौन कौन कहाँ है, कहाँ पड़ा गिरा, कोई किसी का नहीं पूछता। अच्छा, इस बार वोट दोगी आप? मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं, क्यों क्यों? जब ये चीज बन ले रहा, नाली देखो, बच्चे बीमार पड़े रहते हैं आजकल, आपको पता है बीमारी कितना फैल रहा है, एक महीने तक पानी भरा रहता। पार्षद गीता रक्षवाल यहाँ पर वोट मांगने आएंगी तो जब उन्होंने हमारा दुख सुख नहीं पूछ रहा है, बोर्डिंग के टाइम में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, भाई हम तो पब्लिक ना, हम मीना नाम है, मैं तो किराए में रहती हूँ, मैं भी 25 साल से मैं इनकी बेटी हूँ, मैं तो खुद देख रही, एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, लोग मलबा ला ला के रखते हैं, ये सरकार को देखना चाहिए ना, यहाँ वो ये जो नेता थे पहले कुछ नहीं थे, अब इतनी प्रॉपर्टी होगी तो देखने भी नहीं आते हैं यहाँ कि क्या हाल हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, रस्ते हो रहे हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा होती है आस पड़ोसियों की। पार्षद, और क्या क्या दिक्कत है आपके वार्ड में और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या है ना, राशन मिलती है, बोलते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, राशन का दुख तकलीफ के लिए भी पूछने नहीं आते हैं, और देखो ना क्या हाल हो रहा है, कूड़ा हो रहा है, ये नाली के पीछे देखो। आप दोगे वोट गीता रक्षवाल जी को? अब क्या वोट देना है, हमारा रोड देख रहे हैं, अपने आप खुद कर रहे हैं हम इसका मलबा, और ना राशन कार्ड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारा, यहाँ का कोई वो नहीं है। बिजली भी सही आती है? बिजली भी ऐसे ही है कि जब कट जाती है तो डिम हो जाती है, फिर देखने नहीं आते, चाहे 2 दिन लग जाए चाहे 1 दिन लग जाए। प्रभा जी, कुछ तो किया होगा पार्षद ने, कुछ अच्छा काम तो क्या किया है? मैम आप देख ही रहे हो, नाली के पीछे कितने बार तो लड़ाई हो जाती है हम लोगों की, है नाली वैसा ही है, गंदा पानी, स्कूल के बच्चों के लिए कितनी दिक्कत, कुछ नहीं है मैम, यह सिर्फ हमारा समरसेबल, हम मीटर चलाते हैं, बिल आता वही है हमारा, जो लड़ाई हो जाती है बाहर, पानी बाहर को निकलता है, बच्चे गिरते हैं बरसात में, सारी गलियां भर जाती हैं, हर चीज की दिक्कत है यहाँ, यहाँ तो हर चीज की। आप गली डली हुई है यहाँ पर? नहीं, आधी आधी गली में, आधी गली में काम हो रखा है, आधी गली में काम नहीं हो रखा है। अच्छा, आधी गली में उन्होंने पाइप डाल रखे हैं पानी के, सीवर लाइन के, आधी गली छोड़ रखी है। आप इस पर वोट दोगे गीता रक्षवाल जी को? हम तो किसी को पहचानते भी नहीं है, सही बात है। क्यों? वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, हम एक दिन देखते हैं, साल में नजर नहीं आते वो हमको। अच्छा, बस इस बार तो वोट देना पड़ेगा। देंगे, काम करेंगे तो वोट देंगे, काम नहीं देंगे तो हम किसी को नहीं जानते। जैसे बच्चों का एडमिशन कराना है तो यहाँ भागो वहाँ भागो, इसके सेंड कराओ उसके सेंड कराओ, कोई सुविधा ही नहीं है, पार्षद साइन नहीं करते, आप जाते हैं उनके घर तो 10 चक्कर काटने पड़ते हैं, मिलते नहीं है। टीना जी, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में तो सारी समस्या ही समस्या है। अच्छा, कुछ सुविधा ही नहीं है यहाँ पर, कोई तो काम किया होगा पार्षद ने, 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल क्या, हमें तो यहाँ 14 साल हो गए, हमें तो कोई काम ही नहीं दिखा, तो देरता चला जाता है। सीवर लाइन कितनी गलियों में डली हुई है? कौन सी सीवर, क्या सीवर, पाइप बिछता है
और बस बंद हो जाता है, वहाँ जरा सा पाइप डाल देते हैं। इस बार तो वोट दोगे की तरह? अरे मैं क्यों दूंगी वोट, कोई भी नहीं देगा यहाँ वोट। क्यों? काम जब काम करेगा नेता वो वोट लेगा, जब वोट ही काम ही नहीं करेगा तो वोट किस बात। इलेक्शन में वोट मांगने यहाँ पर आती है तो वोट तो भाई हमेशा आती है मांगने, जब मांगने आएंगी तब हाथ जोड़ेंगी, बाद में जयमाला डाल के आएंगी बस। वार्ड स्टोरी की सीरीज में हम वार्ड नंबर 23 में पहुँचे थे। वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि वार्ड में क्या क्या समस्या है और पार्षद को लेकर जनता ने किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। हालांकि इस विषय पर हमने कार्यकारी पार्षद ओम प्रकाश रक्षवाल जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बीमार होने की बात कही और सामने आने में असमर्थ रहे। कार्यालय पर जब हम पहुंचे तो यहां पर हमने देखा कि नगर निगम के सरकारी सफाई कर्मचारी यहां पर पार्षद के कार्यालय के बाथरूम की सफाई करते हुए नजर आए, शौचालय की सफाई करते हुए नजर आए। यहां पर एक व्यक्ति थे इंद्रजीत, उन्होंने हमें ये सूचना दी कि जो कर्मचारी यहां पर लगे हुए हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने जो आरोप लगाया था कि उनकी गलियों की सफाई नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हो रही है क्योंकि नगर निगम के सफाई कर्मचारी पार्षद साहब के यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है क्योंकि जनता ने कहा है कि जितना काम पार्षद ने कराया है उसके हिसाब से रिजल्ट जो है अभी आने वाले आगामी इलेक्शंस में नजर आ जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव न्यूज। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।